हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम हमारी सीरीज का अगला वीडियो लेके आए हैं, ठीक है, लोकायुक्त। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे राजस्थान पॉलिटी में। हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें हमने स्थानीय, नगरीय, राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, ठीक है, नगरीय प्रशासन, ठीक है, उसके अलावा मानवाधिकार आयोग हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोकायुक्त पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस ईयर में जितने भी जो प्रश्न आए हुए हैं उनके द्वारा हमने अपना सिलेबस लगभग पूरा कर लिया है। कुछ टॉपिक बचे हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो हम जितने भी MCQ हैं प्रीवियस ईयर के वो देखते हैं, इनकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं, ठीक है, और इनसे वर्तमान में क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह की जैसे हमारी राजस्थान पॉलिटी की क्लास चल रही है वैसे ही हमारी एक राजस्थान हिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक है। इसका सिलेबस भी लगभग कवर हो चुका है, ठीक है। तो हम इन सब की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैंने बना रखी है, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न राजस्थान लोकायुक्त के लिए। तो राजस्थान लोकायुक्त, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि लोकायुक्त संस्था है, लोकायुक्त जो संस्था है वो किस प्रकार की संस्था है, इस बारे में पूछा गया है। तो लोकायुक्त जो है संस्था है वो सांविधिक व सलाहकारी संस्था होती है, ठीक है। तो भारत में जो पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग अक्टूबर में आया था, ठीक है, 1966 में, ठीक है, तो उसका अंतरिम जो प्रतिवेदन में एक लोकपाल और लोकायुक्त की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। तो राजस्थान में लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित हुआ, ठीक है, जो 3 फरवरी 1973 में, ठीक है, यहाँ पे प्रभावी हुआ। ओके, ये यहाँ पे पूछा गया है राजस्थान लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, ठीक है। तो अभी हमने देखा 1973 में, ठीक है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और आपको आगे भी देखने को मिल सकता है ये प्रश्न। पहले लोकायुक्त, क्योंकि जो पहले जो होते हैं हमारे पहले और जो वर्तमान में है ये, तो ये अक्सर परीक्षा में आ ही जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है, चाहे वो लोकायुक्त का हो, मानवाधिकार आयोग हो, RPSC का हो या फिर किसी भी संस्थान का हो, तो वो पहले और जो अंतिम अंतिम है मतलब वर्तमान में जो है तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पूछा है राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो राजस्थान के जो पहले लोकायुक्त थे वो थे ID दुहा, ठीक है। इनको राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 जो थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त थे उस समय ये ID दुहा साहब, ठीक है, इनको प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया था, ठीक है। और प्रथम जो उप लोकायुक्त बनाया गया, ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अटेंशन, कि प्रथम उप लोकायुक्त लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे KPU मेनन, ठीक है, KPU मेनन, ठीक है। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, ठीक है, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं ये प्रश्न आगे देख लेंगे हम, क्योंकि आगे मैंने जोड़ा है इसमें। इससे पहले देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी, ठीक है, न्यायमूर्ति ID दुआ राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये यहाँ बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त, वह मतलब वर्तमान
लोकायुक्त के बारे में पूछा है इन्होंने। अभी फिलहाल वर्तमान में 13वें लोकायुक्त चल रहे हैं, ठीक है। कौन थे? प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। अगला प्रश्न, और मैं जैसे बताता हूँ कि कार्यकाल के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में आप थोड़ा सा नॉलेज में रखें, ठीक है। तो राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल पूछा है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 5 वर्ष, 65 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उन पे विचार करना है। तो पहला है, राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेंगे, ठीक है। लोकायुक्त का देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, समकक्ष। तीसरा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला चाहिए, राज्यपाल नियुक्ति देगा, ठीक है, और उनका जो वेतन भत्ते और जितने भी हैं वो मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष रहेंगे, ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते, ठीक है। राजस्थान के जो लोकायुक्त हैं वो किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते। अभी हमने देखा मुख्यमंत्री, ठीक है, 1, 2 और 3, इन सब के विरुद्ध कर सकते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री के विरुद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये JN सिविल डिप्लोमा में पूछा गया है, आगे भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पूछा है, दायरे में नहीं आते, तो मंत्री, विभागीय सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मी, ठीक है, और महालेखाकार राजस्थान, ठीक है। तो 3 और 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। यहाँ फिर से पूछा गया है ये प्रश्न, और ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, इसमें हो जाएगा सरपंच व पंच, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, ठीक है। उससे पहले हम देख लें कि हमने अब तक नहीं की जा सकती, अगर की जा सकती है, अगर ऐसे पूछ ले तो उसमें हम देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके विरुद्ध, ठीक है, और चलो मैं एक प्रश्न बताता हूँ आपको, फिर उस प्रश्न के हिसाब से हम बात करते हैं। यहाँ हम अगर ऐसे देखें कि राजस्थान के लोकायुक्त में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जांच का दायरा देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान के मुख्य लेखा परीक्षक हैं वो भी आएंगे,
उसके अलावा राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं वो भी आएंगे। उसके अलावा राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के जो महापौर हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो मैंने जो नहीं आएंगे वो भी आपको बता दिए हैं, जो आएंगे वो भी आपको बता दिए हैं, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम कि कितना वर्ष पुराने मामले पर शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले पर शिकायत नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर 5 साल से पहले का मामला है तो शिकायत नहीं की जा सकती, 2, 3, 4 साल पुराने मामले पर शिकायत की जा सकती है। तो यहीं पे हमारे लोकायुक्त के जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न थे वो जितने भी आए हैं वो हमने देख लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।